हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सैक और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक्निकल माइंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कॉल फॉरवर्ड कैसे हटाते हैं। दोस्तों कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कॉल फॉरवर्ड लगाने की, या दोस्तों आपका कोई फ्रेंड या कोई भी आपके लगता है कि आपकी जो है कॉल किसी ने फॉरवर्ड कर दी है, अपने नंबर पर कर ली है, और दोस्तों आप भी किसी के नंबर पे कॉल फॉरवर्ड कर देते हो और बाद में आप रिमूव नहीं कर पाते और आपको लगता है किसी ने आपकी कॉल फॉरवर्ड कर ली है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से कॉल फॉरवर्ड को रिमूव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस तरीके से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको एक कमेंट कर देना है जिस तरीके से आपको वीडियो लग रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तब भी आप हमें कमेंट में कह सकते हैं मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने डायलर पैनल को ओपन कर लेना होगा। तो दोस्तों आपके फ़ोन की किसी ने जो है कॉल फॉरवर्ड कर ली है अपने फ़ोन में, तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का डायलर पैनल ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है #WhatsApp#, ये आपको टाइप कर देना और ऐसे डायल कर देना होगा जो भी नंबर आपके कॉल फॉरवर्ड जो भी नंबर आपका या SIM 1 है कॉल फॉरवर्ड पे लगी हुई है या SIM 2, वो जो आपकी लगी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। कोड आपके में काम नहीं करता है तो मैं आपको सेकंड कोड और बता देता हूँ, #0004#, ये कोड आपको डायल कर देना होगा और ये देख सकते हैं MAM और ये देख सकते हैं जो है फॉरवर्ड हट चुकी है यहाँ से। तो दोस्तों अगर ये दोनों कोड आपके में नहीं काम कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, आपको सेटिंग ओपन कर लेना होगा। यहाँ पे आपको सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना, स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको ये जो है फ़ोन का आइकन आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, ये आपको अपने फ़ोन में ढूंढ लेना होगा, कहीं किसी फ़ोन में कहीं होता है, कहीं किसी फ़ोन में कहीं होता है। तो यहाँ पे फ़ोन का जो आपको ओपन कर लेना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ढूंढ लेना होगा कॉल फॉरवर्डिंग कहाँ है, तो ये देख सकते हैं ये जो कॉल फॉरवर्डिंग है ये आपको कहीं पे भी मिलेगा, तो इसे आप जो है ढूंढ लेना है, इसको आपको क्लिक कर लेना होगा। अब दोस्तों इसका इंटरफेस इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे चार जो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑलवेज फॉरवर्ड, वैन बिजी, वैन अन फॉरवर्ड और वैन अनरीचेबल, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो ऑलवेज फॉरवर्ड यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये जो नंबर है यहाँ पे इसे जो है हटा देता हूँ इसे, और ये अभी मैंने ऑफ करके रखा है। अगर आपका इस तरीके से इनेबल होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अभी मैंने यहाँ से हटा दिया है कॉल नंबर हटा के इसे ऑफ कर देना होगा। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको देख लेना होगा, इसे भी आपको ऑफ कर देना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई भी अभी कॉल फॉरवर्ड नहीं लगा के रखी है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सारी जगह चार जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे आपको ऑफ मिलेंगे। यहाँ पे आपको अगर ऑन रहेंगे तो मान लीजिए आपकी कॉल फॉरवर्ड है, तो मेरा ये जो नंबर है, ये मैंने जो है नंबर यहाँ पे डाला था, तो ये जो कॉल फॉरवर्ड पे लगा हुआ था नंबर, तो इसे अभी मैंने ऑफ कर दिया है, तो अभी मेरी कॉल फॉरवर्ड रिमूव हो चुकी है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आए या कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आके आपकी हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो लेके, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।